काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, काफी स्ट्रांग माना जा रहा है. See, Vikas is also very strong, but honestly, as a viewer, I don't like the way he's playing. He's very, मतलब वो कैसे वो कहते हैं मैं खुद से खेल रहा हूँ, but then you know जैसे कोई उनका साथीदार चला जाता है वो immediately किसी और को पकड़ लेते हैं, उसके साथ बहुत sweet हो जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गेम शो ऐसा होता कि आपको एज अ एक्टर परफॉर्म करना है ग्रेट, बट अगर मैं किसी की पर्सनालिटी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो ऐसे इंसान से दोस्ती करना कितना अच्छा रहेगा. जब मैं टीवी पे, ऑफ कोर्स आई डोंट नो हिम पर्सनली वो कैसे है, मे बी इससे बेटर होगे, बट जब मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तो कोई भी साइड कभी भी बदल जाती है. यू अंडरस्टैंड, सो इट्स वेरी टफ टू गेज के हो क्या रहा है घर के अंदर. सलमान सर भी कभी परेशान हो गए कंटेस्टेंट से? आई एम श्योर. एटलीस्ट शिल्पा एंड हीना वेरी क्लियर कि हम अकेले खेल रहे हैं. वो किसी के पास सपोर्ट के लिए नहीं भागते हैं. यू नो वो जो भी ड्रामा क्रिएट करते हैं खुद के लिए, जो भी वो उनके तक लिमिटेड है. उनको कोई सपोर्ट सिस्टम वैसा नहीं चाहिए जो अदरवाइज दिखता है, बिकॉज आई डोंट नो ये प्रियांक कब से इतना अच्छा दोस्त सडनली दो दिन में विकास का हो गया. तो जब मैं देखती हूँ आई रियली यूज टू लाइक हिम, बट देन आई फील दैट एज अ फ्रेंड आप पूरा सीजन एक लड़की के साथ एक ग्रुप में टिके रहते हो, एंड देन ऐसे मूड पे आप सडनली चेंज. और कल द वे ही वॉज टॉकिंग अबाउट हीना आई रियली फेल दैट वॉज वेरी बैड. अगर मैं भी वहाँ घर में होती और कोई ऐसा करता मेरे साथ जो मेरे साथ हुआ था थोड़ा बहुत जब मैं अपने सीजन में थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था. एंड ऑब्वियसली ये शो ऐसा है कि हर इंसान ने अपना ग्रुप बना के रखा. अगर वो ओवरऑल ग्रुप लंबा रहता है तो आपको ऐसा लगता है कि सपोर्ट आप मुझे ही करो, भले आप दोस्त बाहर जाके इनके बन जाओ, बट ये सीजन में आई शुडंट लुक लाइक अ फूल. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट्स मिसिंग. लॉयल्टी एज अ फ्रेंड इज मिसिंग इन दिस ओवरऑल सीजन.